हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन इसका स्टडी। चलिए शुरू करते हैं। ये सेकंड पार्ट रहेगा मेरा। तो पिछले वीडियो में मैंने 46 क्वेश्चन आई थिंक 47 को भी कंप्लीट कर दिया था। तो चलिए देखते हैं, ये सॉल्व पेपर है। तो इस क्वेश्चन में है आपका, पुरुषों के लिए वॉलीबॉल में नेट की जमीन से ऊंचाई जो है आपके जो है 2.43 है। पहले जमाने में जो है 44 होता था ये, ठीक है, कुछ दिन पहले इससे। और यहाँ पर देख लीजिए, 2.43 देते हैं, महिलाओं के 2.24 है, ये पता ही होगा। और जो भार होता है 260 से 280 ग्राम, 260 महिलाओं का, 280 पुरुष के लिए। और परिधि 65 से 67 सेंटीमीटर, यानी 65 to 67। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा व्यावसायिक शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को मान्यता दी जाती है? तो ये दी जाती है आपका NCTE। सेकेंड क्वेश्चन आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। एशियाई खेलों का नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सा है? तो वो है OCA, ठीक है। OCA मतलब ओलंपिक जो है आपका, एशियाई ओलंपिक समिति, ठीक है, एशियाई ओलंपिक काउंसिल एसोसिएशन। और क्रिकेट बैट के ब्लेड की जो चौड़ाई होती है, तो ये होता है आपका 4.5 इंच, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, क्रिकेट बैट के ब्लेड की चौड़ाई होता है, चौड़ाई 96, ये तो लंबाई होता है, लंबाई जो है 96.5 सेंटीमीटर यानी 38 इंच होता है, और चौड़ाई 11.9 सेंटीमीटर यानी कि 4 से 5 ये होगा। तथा तो बल्ले की जो है भार लगभग 2 पाउंड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 14 वर्ष की आयु विकास एवं वर्धन की होती है, तो जिसे कहते हैं एडोलोसेंस। नेक्स्ट है, अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम को भारत सरकार ने किस सहायता से शुरू किया? तो इसको किया गया था आपका यूनिसेफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिसेफ ये अल्प जो है अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम हम किया गया था। पेनी कप टेस्ट किसका मूल्यांकन करता है? तो पेनी कप टेस्ट होता है आपका सामंजस्य को स्थापित। पेनी कप टेस्ट में क्या होता है, तीन इस प्रकार से आपका कलर का नहीं, कलर नहीं, तीन कप रख दिया जाता है, ऐसे होता है, और यहाँ पर तीन कलर के आपके सिक्के जैसे कुछ चीज रख दिया जाता है, और यहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट रखते हैं। यहाँ पर जो टीचर है वो आपको, यानी प्रशिक्षक है, वो आपको बोलेगा कि कोई से कौन सा कलर को दौड़ के जाओगे, जो कलर बोलेगा उसको आपको उठा के उसको डालने रहेगा, ठीक है। इसमें वाइट तीन कलर होते हैं, ठीक है, एक ग्रीन होता है, एक रेड होता है, और एक होता है आपका, आई थिंक याद नहीं आ रहा है उतना, वाइट या समथिंग ऐसे होता है। तो ये तीन कलर यहाँ पर रख ये चीजें होते हैं, और ये तीन कप होता है। वे दो खेल जिस सॉरी जिनकी प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, तो ये होता है वाटर पोलो और कबड्डी, दोनों में 7-7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। और एक क्या होता है इसके अलावा, और एक खेल है जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं, कमेंट पर जरूर लिख के बताएं। चलिए, वाटर पोलो कबड्डी खिलाड़ियों की संख्या 7-7 होते हैं, और बास्केटबॉल में 5 होते हैं, और बेसबॉल में 9, पोलो में 4 तथा खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। नेटबॉल में कितने? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है मिलान करना है, सुमेलित ओलंपिक खेल 2004 का जो हुआ था आपका, आई थिंक ये एथेंस में ही हुआ है। ओलंपिक खेल 2004 सिडनी में ही हुआ है। तो उत्तर डायरेक्ट देखते हैं, इसका उत्तर जो है एक है, 1, 2, 3, 4, हाँ सेम टू सेम है, वही है, सेम टू सेम। 1998 का हुआ था, क्वालालंपुर
रशिया, ठीक है। नेक्स्ट है ओलंपिक खेल, ओलंपिक सिडनी, राष्ट्रमंडल खेल 2002 मैनचेस्टर में, और राष्ट्रमंडल खेल क्वालालंपुर मलेशिया है, हो गई। हृदय की श्वसन क्षमता संबंधित होती है, तो ये होता है उपरोक्त सभी जो है उपरोक्त में आपका आ जाएगा ताकत से, लचीलेपन से, सामान्य शारीरिक सहनशीलता, सहन शक्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, तो ए का प्रमुख स्रोत है गाजर, ठीक है, कभी कभी इसको नहीं लिखे रहते हैं, यहाँ देख लीजिए। इसके अलावा जो है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत में अतिरिक्त अन्य स्रोत हैं दूध, घी, मक्खन, टमाटर, पीले फल, सब्जियां, मछली, मछे सॉरी मछली मछली का तेल, अंडे का दर्जी आदि, ठीक है। मधुमेह किस में जो है खराबी आने से होता है, तो आंसर है इसका अग्नाशय ग्रंथि है, इसका एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कहा जाता है, और इसी भाग में सॉरी भाग के द्वारा इंसुलिन और ग्लूकोज सॉरी ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन का अंतःस्राव होता है, और इसके अल्पस्राव से मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, उसी को बोलते हैं डायबिटीज, मधुमेह को। ये होता है आपका पैंक्रियास की जो है खराबी से, पैंक्रियास खराब हो जाता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल सभी को पता है हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई होती है, तो लंबाई चौड़ाई कितनी होती है सभी को पता है, 18.9 मीटर। तो आगे बढ़ेंगे, इसका सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। और हाँ, इसमें का मैं देख लिया थोड़ा से, 8 बार जो दिख रहा है, तो हॉकी में ओलंपिक में सबसे ज्यादा हॉकी 8 बार जीते हैं, और अंतिम कप जीता था 1980 मॉस्को में, ठीक है। नेक्स्ट है, 28 से शुरू हुआ, 80 में खत्म हुआ, बीच में गैप हुआ था जिसमें सिल्वर और ब्रॉन्ज 2 बार है और 1 सिल्वर है, या तो हाँ ठीक, 1964 और 68 में जो है आपके सिल्वर है शायद, ऐसा कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देख लीजिएगा वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई देख लिए। ओलंपिक शहर सॉरी ओलंपिया शहर विश्व के किस देश में स्थित है, तो ये है आपका पहला ही आंसर सही होगा, ग्रीस में सही। चलिए देखते हैं आगे नीचे क्या है, यहाँ पर दिया उत्तर एक है कि तथ्यों एवं ऐतिहासिक साक्ष्यों से विपरीत सर्वाधिक प्रमाणिक तथ्य है कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन 1776 ईसा पूर्व हुआ था, और ये आयोजन यूनान ग्रीस ओलंपिया नामक नगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश्ती के द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया, तो ये है आपका, इनमें से कोई नहीं दिया है सॉरी, प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थित है, तो यह है आपका मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, भारत का प्रथम राष्ट्रीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय 1957 यानी 1957 ईस्वी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा ग्रहण करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स की होती है, बच्चों को प्रोटीन की आवश्यकता ज्यादा होती है, किसको होती है, बच्चों को। ये इसमें कैलोरी देख लीजिए, 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है, और जो कार्बोहाइड्रेट है ना उसी से आपका मिलता है, बाकी जानते होंगे। हार्ट लाइक शरीर जो है शरीर में विकसित करता है, क्या करता है, सहनशीलता को विकसित करता है, छोटे बच्चों के भोजन में सबसे अधिक मात्रा होनी चाहिए तो प्रोटीन क्यों होना चाहिए, और बाल्य अवस्था में व्यवहार सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो व्यवहार जो है देखते हैं यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर सेकेंड, परिवार से। नेक्स्ट है, व्यक्ति की लंबाई मापन का उपकरण है, तो यह है आपका स्टेडियोमीटर, इसका आंसर सही हो जाएगा। स्टेडियोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए
करते हैं, तो ये किया जाता है आपका चौथा है ऊंचाई के लिए, और सेट शॉट होता है तो ये आपका सेट शॉट बास्केटबॉल में होता है, ठीक है, सेट शॉट बास्केटबॉल में से संबंधित है। नेक्स्ट है एशियाई स्नूकर विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम है, तो ये है आपका यासीन मर्चेंट, ठीक है, यासीन होगा मर्चेंट, एशियाई स्नूकर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हैं। सातवां विश्व कप क्रिकेट में खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए थे, तो ये राहुल द्रविड़ बनाए थे, और ये अभी जूनियर टीम के हमारे वह कोच हैं, सीनियर के रवि शास्त्री जी हैं, अभी फिर से उसको नियुक्त किया गया है। और सातवें विश्व कप में सर्वाधिक, चलिए पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है किस देश ने विश्व कप फुटबॉल सबसे अधिक बार जीता, तो ब्राजील ने 5 बार अभी तक जीता है, और जो इस साल हुआ था अभी 2018 में, तो इसको 18 या 19 में इसको जीता था, अभी फ्रांस ने जीता है, ठीक है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है आपका प्रतिभाशाली खेल प्रशिक्षक को। किस विटामिन की कमी से रात्रि का अंधापन होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, और यहाँ पर दिया हुआ है कुछ कुछ उसके रासायनिक नाम, रेटिनॉल है विटामिन ए का, और बी का आपका थायमिन होता है, सी का स्कर्वी रोग होता है जिसका विटामिन एन डी से के कमी से रिकेट्स हो जाता है, स्कर्वी होता है ना, सी का क्या होता है आपका कैल्सीफ्लावर, तो डी का होता है, सी का एक्सक्यूज मी, तो विटामिन बी का थायमिन है, रथ एक ट्रॉफी याद होगा सूत्र, ठीक है, तो इसका एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा सी का, है ना, रथ एक ए से एस्कॉर्बिक एसिड और एक ट्रॉफी है ना, तो क से हो जाएगा कैल्सीफ्लावर डी का। चलिए देखते हैं सूखा रोग होता है रिकेट्स, संतुलित आहार में होना चाहिए तो उपयुक्त तो सभी होना चाहिए, इसका आंसर तो प्रोटीन विटामिन कार्बोहाइड्रेट्स, चलिए चौथा सही है। और आगे देखते हैं खिलाड़ियों के बीच फ्रस्ट्रेशन का कारण होता है, फ्रस्ट्रेशन जो होते हैं आपको किस कारण से होता है, तो ये आकांक्षा और योग्यता के स्तर, इस टाइप के क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है यार, आंसर मेरे को अच्छा नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा, ताल मिलना बैठ पाना, ठीक है, और अच्छे प्रदर्शन का परिणाम भी हो सकता है यहाँ पर, खराब प्रदर्शन का परिणाम भी हो सकता है, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन के कारण ये सब तो हो सकता है ना, तो उपरोक्त तो सभी आना चाहिए, तो आई थिंक मेरे ख्याल से, और इसमें ये दिया है लेकिन वही है, इसका कुछ भी करते रहते हैं। गुर्दे की ग्रंथि उत्पन्न करती है, तो क्या उत्पन्न करती है, इनमें से कोई नहीं दिया है, पैंक्रियास स्रावित करता है, तो पैंक्रियास आपका इंसुलिन स्रावित करता है सभी पता है, और पैंक्रियास खराब होने से क्या होता है देखिए हम मधुमेह, ठीक है, ये पढ़ लिए हैं ऊपर में सेम सेम दिया है। हॉकी बॉल का वजन कितना होता है, तो ये 163 ग्राम होता है, 159 से 163 ग्राम, इसमें 55 से 63 दिया है, तो औंस में क्या है इसका आंसर हो जाएगा 1.5 औंस से 5 से 3/4 औंस, ठीक है, तो ये होगा 5 राइट, आपका 3/4 औंस को, आप औंस को बताया था मैं, औंस को कैसे निकालते हैं कई बार बता चुका हूँ, चलिए टाइम नहीं है अभी बताने के, सॉरी, हाँ इसका चौड़ाई लंबाई हो गया आपका 100 × 60। भारत में ट्रैक एंड फील्ड को नियंत्रित करने वाला राष्ट्रीय संगठन है, तो ये है आपका तीसरा AAFI, ठीक है, इंटरनेशनल एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत में। और अभी कुछ चेंजेस हुआ है आपका एथलेटिक फेडरेशन या किसी चीज़ में हुआ है कोई याद करके बता, तो चलिए दोस्तों इसका जो है आपका जो IAAF है ना, इंटरनेशनल एथलेटिक एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, उसको चेंज करके शायद अभी वर्ल्ड एथलेटिक फेडरेशन ऐसा कुछ कर दिया गया है, तो
एक बार चेक कर लीजिएगा गूगल में, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, तो ये आपका 66 फीट होगा, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ इसका मैथ, आपको 22 फीट होता है, ठीक है। फीट को आप कन्वर्ट करेंगे तो ये सॉरी 22 गज होता है, तो एक गज में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो एक गज में आपका होता है 90 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। कितने सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर। आप 1 फीट कितना होता है, तो 1 फीट को अगर सेंटीमीटर में करें तो 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फीट होता है, ठीक है। तो 30 30 90, तो 90 फीट का एक गज, ठीक है, एक गज, और 30 सेंटीमीटर का 1 फीट, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना फीट हो जाएगा, 30 30 90, 3 फीट हो जाएगा, 30 फीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, जैसे कि 22 कितना है, 3 फीट होगा ना, ये आपका 90 सेंटीमीटर का 3 फीट, एक्सक्यूज मी। तो ठीक है, यहाँ पर आपका एक गज है ना, तो एक गज अब इसको निकालते हैं, 30 30 का 3 हो जाएगा, तो एक गज बराबर कितना हो जाएगा आपका, एक गज बराबर यहाँ पर 3 फीट हो जाएगा, तो 22 दिया 66, ठीक है, यानी कि 22 जा सॉरी 22 3 जा आपको हो जाएगा 66। थोड़ा लिखते नहीं बन रहा है इसमें, माउस चलाते नहीं बन रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, सर्वोच्च खेल पुरस्कार इसमें जो है तीसरा अर्जुन पुरस्कार को दिया गया है, लेकिन सर्वोच्च जो है आपका क्या होता है आपको सभी को पता ही होगा, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है वो सबसे ज्यादा सर्वोच्च पुरस्कार में आता है, और उसका प्राइज मनी भी 7.5 लाख है, और इसका जो है आपका अर्जुन पुरस्कार का 5 लाख है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका अर्जुन पुरस्कार ही होगा, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर ऑप्शन में रहता वो तो जरूर वो होता। सीखना लर्निंग मुख्य रूप से निर्भर करता है, तो ये करता है आपका, दूसरा आ जाएगा आयु पर करता है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, मनोरंजन सिद्धांत के प्रदाता है, तो इसके प्रदाता हो जाएंगे आपका है, चौथा आंसर हो जाएगा कार्ल ग्रूस, शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं, तो क्या कहा जाता है इसको, इसको कहा जाता है स्किन फोल्ड कैलिपर, ये कई बार आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, शटल रन में सॉरी शटल रन से परखी जाती है, तो क्या परखी जाती है आपका, गति सहनशीलता को परखी जाती है, और जो है हृदय, हृदय बताओ फेफड़ों का भी इसमें जो है मापन किया जाता है ना, आंतरिक प्रशिक्षण से विकसित किया जाता है, तो गति सहनशीलता किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थकान की अवस्था में किसी प्रतिरोध के साथ या प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो इसे कहा जाता है शक्ति सहनशीलता। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 92 125 आने वाला जो क्वेश्चन होगा, 90 से लेकर के 125 क्वेश्चन तक को नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा, और तुरंत हो जाएगा इसके बाद, तो चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।